रिपोर्टर में संतोष कुमार, अभी हम खड़े हैं चौरासम धाम, जहां से ये रास्ता जाता है जो मिंडरा घाट के नाम से जाना जाता है। और हमारे साथ हैं अकबरपुर पंचायत के मुखिया श्री संतोष कुमार भोला जी, जो मुखिया संघ का अध्यक्ष है रोहतास प्रखंड का, और यहां के कार्यक्रम के आयोजन में इनका भरपूर सहयोग होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे ये लोग इस कार्यक्रम को मैनेज करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय अपने दर्शकों को। मैं संतोष कुमार भोला, मुखिया ग्राम पंचायत अकबरपुर, मुखिया संघ अध्यक्ष प्रखंड रोहतास। ये जो श्रावणी मेला है, निरंतर जो है सावन महीना के पहली तारीख से अखंड दीप प्रज्वलित कर करके इस मेला का शुभारंभ किया जाता है। और यहाँ का महता जो है, इस यह शिवलिंग जो है सज्जुक के समय का है, बहुत पुराना शिवलिंग है। यहाँ कोई भी तरह का आप अगर इनसे अगर वरदान मांगते हैं तो मिलता है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है सिर्फ महादेव के दर्शन करने से। ये दुर्गम पहाड़ी चढ़ करके हजारों लाखों लोग जो है दर्शन करने को, आज ये रक्षाबंधन पर जो मेला का आयोजन हमारे रोहितेश्वर धाम सेवा समिति की तरफ से किया जाता है, इसमें जो है इनका सहयोगी होते हैं हिंदू जागृति मंच, रोहतास जन सेवा समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हरिश्चंद्र जन सेवा समिति के तरफ से जो है इस मेला में भरपूर सहयोग किया जाता है। और प्रशासन जो है यहाँ अपना भूमिका बहुत बढ़िया निभाती है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे इनकी जो है निगाह रहती है, निगरानी रहती है। इनका टीम जो है पीसफुल बनाने के लिए मेला को लगी हुई है, ऊपर में भी CRP को लगाया गया है, नीचे भी मेला में हर जगह फोर्स है। और ये व्यवस्था जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा मिलजुल कर करके संपन्न कराया जाता है। सर, यहाँ जो कितने दूर दूर के लोग इस मेले में आते हैं और उसके क्या मायने हैं, मतलब लोगों का आने का यहाँ पर? देखिए, ऐसे तो आप जहाँ तक दूरी की बात की है तो साल में एक बार बनवासी मेला यहाँ लगता है, जिसमें झारखंड, उड़ीसा और इंडिया के मतलब हर एक प्रांत से जो आदिवासी भाई बंधु हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे पूर्वज यहीं से बाहर गए हैं और हम लोग जहाँ तहाँ बस गए हैं, तो उन लोग जो है आता है यहाँ और किला में करम का वृक्ष है उसका पूजा करते हैं और अपने गोतिया परिवार से उन लोग मिलते हैं। और ये मेला में या गुप्ता धाम का जो मेला होता है उसमें झारखंड से, भोजपुर से, आपको गया से, अरवल से, आपको जहानाबाद से, इधर बक्सर से और आपको कैमूर से और संपूर्ण रोहतास से लोग जो है यहाँ दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ का रोहितेश्वर धाम पर आते हैं। सर, ये बताइए कि यहाँ पर जो प्रशासनिक स्तर पे जो सहयोग होना चाहिए या सरकार के माध्यम से यहाँ पर क्या विकास हुआ है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ पर किला भ्रमण करने के लिए आए थे तो यहाँ की परिस्थिति को देख करके उन्होंने एक घोषणा करके गया था कि मैं रोपवे अकबरपुर से रोहितेश्वर धाम के लिए लगाऊंगा, जिसका DPR भी बन गया है, वन विभाग के जमीन भी दे दिया गया है। अब क्या समस्या है, जो आज तक, ये 3 साल पहले की बात है, आज तक यहाँ रोपवे का जो है शिलान्यास नहीं हुआ ना काम चालू हुआ। और किला परिसर मेरा बहुत गंदा रहता है, क्योंकि लोग जाते हैं वहाँ कोई देखने वाला नहीं है तो जैसे तैसे लोग गंदा करके चले आते हैं। अच्छा, उससे संबंधित जो विभाग है उस पर उसका मतलब उसके तक कोई बात यहाँ के लोगों या जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहुँचाया जाता है या नहीं पहुँचाया जाता? किला और मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है और यह विषय जो है आपको प्रशासन के नज़र में है, सरकार के नज़र में है। तो अब ऐसा जब मुख्यमंत्री स्वयं आके घूम के चले गए, पर्यटन विभाग उन्हीं के अंदर में, अगर आज इसको पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो यहाँ के बेरोजगारी दूर हो जाएगी, इस क्षेत्र के जो है समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो है लचर व्यवस्था है यहाँ, उदासीनता इस नाते देखने को भी मिलती है कि अभी तक जो भी मेला में व्यवस्था किया जाता है, चाहे वो पीने का, ठहरने का व्यवस्था, चाहे खाना भोजन जो भी है, सारा कमिटी करती है, न कि प्रशासन यहाँ करती है। तो हम लोग जो है SP साहब के यहाँ गए थे तो SP साहब काफ़ी प्रभावित हुए, हम लोग जब मिले कि यहाँ मेला इस तरह का आयोजन होता है, तो हमारे SP साहब के द्वारा, सत्यवीर सिंह के द्वारा जो है यहाँ पर इस बार बहुत अच्छा ही विधि व्यवस्था को कायम किया गया है। इसके लिए मैं अपने पुलिस कप्तान को, इसे सारे कमिटी के तरफ से, मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रखंड के तरफ से भी उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं
कि जहाँ भी रहें ये खुशहाल रहें और जब तक हमारे जिला में रहें तब तक जो है इस क्षेत्र को और इस पहाड़ी पर बसे हुए लोगों को सुख सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराते रहें। तो ये थे हमारे साथ अकबरपुर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार भोला जी, जो यहाँ के वस्तु स्थिति से हम लोगों को अवगत करा रहे थे। जैसा कि मालूम है कि सरकार का उदासीन रवैया के चलते इस जो धरोहर है जिसको संरक्षक की जरूरत है उतना नहीं हो पा रहा है और कहाँ पे इसका पेच फंस रहा है, तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं संतोष कुमार, सीएम इंडिया टीवी न्यूज रिपोर्टर, रोहतास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।